भारत में अमेरिका की राजदूत नैन्सी पोवेल नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। इस मंथ ये मुलाकात हो सकती है इसी महीने। अहमदाबाद में ये मुलाकात होगी। उन्होंने खुद इसकी इच्छा जताई है मिलने के लिए। अमेरिकी राजदूत है नैन्सी पोवेल, जिन्होंने खुद ये इच्छा जताई है कि वो मिलना चाहती हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा तक नहीं देता है। ये भी हो चुका है गुजरात में जो 2002 में दंगे हुए थे, उसमें जो नरेंद्र मोदी की भूमिका की बात आई थी उसको लेकर अमेरिका ने एतराज जताया था और वीजा नहीं दिया था नरेंद्र मोदी को अमेरिका का। और अब अमेरिकी राजदूत नैन्सी पोवेल ने खुद इच्छा जताई है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो जो हर साल यूएस और इंडिया की जो आपसी संबंध बेहतर हो उसके लिए जो मुलाकात होती है, ये उस तरह की मुलाकात है जिसमें वो सीनियर लीडर्स से मिलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी यूएस की राजदूत। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह। ब्रिजेश, ये जो इच्छा जताई है नैन्सी पोवेल ने खुद जताई है, क्या मकसद इसके पीछे? देखिए पल्लवी, पिछले कुछ वर्षों के अगर राजनीतिक घटनाक्रम को आप देखें तो कई बार ऐसे कांग्रेस के मेंबर्स हैं, यूएस कांग्रेस के मेंबर्स, जिन्होंने ये बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, खासतौर पर अगर आप ध्यान दें जब से उनको पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया उसके पहले भी ये बात लगातार अमेरिका के अंदर चल रही थी कि क्या अमेरिका लंबे समय तक नरेंद्र मोदी से बिना रिश्ते बनाए रख सकता है। और खासतौर पर अब जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, तो तमाम जो सर्वे हैं उसमें न सिर्फ बीजेपी को बल्कि नरेंद्र मोदी को सबसे फेवरेट उम्मीदवार बताया जा रहा है पीएम कैंडिडेट के नाते। ऐसे में अमेरिका की तरफ से फिर से कोशिश हो सकती है कि वह धीरे धीरे अपने रिश्ते सुधारे, क्योंकि आप एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करें कि मान लीजिए अगर एनडीए की सरकार बन जाती है और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उस केस में अमेरिका की क्या हालत होगी। तो इस जो मुलाकात की जो बातें आ रही हैं कि मुलाकात अगले कुछ दिनों में संभावित है, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जहां तक पृष्ठभूमि की बात करें, भारत और जो अमेरिका और खासतौर पर भारत के जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके रिश्तों की, तो यह जो खटास की शुरुआत 2002 दंगों के बैकड्रॉप में हुई थी और 2005 में जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना था एनआरआईज के एक कार्यक्रम के सिलसिले में, उस समय अमेरिकी सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया था और खासतौर पे जो उस समय तर्क दिया गया था उसको का कारण बताया गया था 2002 दंगों को। उसके बाद से ही संबंधों में खटास रही, लेकिन आगे चलकर जो वाइब्रेंट समिट हुए उसमें अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, खासतौर पे जो व्यापारियों के, वहां के बड़े कारोबारियों के आने शुरू हुए और खुद अमेरिका के कई सीनेटर या कांग्रेसमैन, उन्होंने आकर ये कहा, भारत में आकर मोदी से मुलाकात की और ये कहा कि संबंध सुधारने चाहिए। तो अब ऐसे में नैन्सी पोवेल की जो मुलाकात जो अगले कुछ दिनों में संभावित है, जिसके बारे में खुद अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं, उसको इसी डायरेक्शन में देखा जा सकता है, मोदी से संबंध सुधारने के डायरेक्शन। शुक्रिया ब्रिजेश आपका। तो कुल मिलाकर जो नरेंद्र मोदी के साथ पहले अमेरिका कर चुका है, वीजा नहीं दिया था और इसके पीछे वजह दी गई थी 2002 के गुजरात दंगे, अब उन्हीं नरेंद्र मोदी से रिश्ते सुधारने की कोशिश मानी जा सकती है अमेरिका की तरफ से। यूएस की विदेश राजदूत मिलेंगी और उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की है नैन्सी पोवेल ने नरेंद्र मोदी से मिलने की। ये मुलाकात इस महीने अहमदाबाद में हो सकती है।